हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर नीलम और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी स्किन केयर रूटीन। बहुत सारे लोगों के मुझे कमेंट्स आए थे कि आप हमें ये बताएं कि आप क्या यूज़ करती हैं। सो, मैं कुछ बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव किस्म की स्किन केयर रूटीन को फॉलो नहीं करती बिकॉज़ मैंने जॉब पर भी जाना होता है और वैसे भी मेरे पास दिन में इतना टाइम नहीं होता कि मैं जो हूँ बहुत ही एक्सटेंसिव किस्म की स्किन केयर रूटीन कर सकूँ। शाम को भी मैं इतना थक जाती हूँ कि बस मेरा होता है कि जी बेसिक सा कुछ किया जाए एंड दैट्स इट। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मेरी स्किन जो है बेसिकली इस टाइम मैंने फेस पर क्या अप्लाई किया हुआ है, तो मैंने जस्ट सन ब्लॉक अप्लाई किया हुआ है, मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया हुआ है और लाइट सा जो है मैंने टिंट लगाया हुआ है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं मेकअप भी यूज़ नहीं करती। मेकअप जितना कम आप यूज़ कर सकते हैं सिर्फ उतना यूज़ करें, मैं ये सबसे कहती हूँ हमेशा। लाइट सी बीबी क्रीम अगर यूज़ करना चाहते हैं, अगर स्किन पर टैनिंग है या आप कोई मार्क्स अपने छुपाना चाह रहे हैं तो उसको यूज़ करें, बट डेली बेसिस पे फाउंडेशन अप्लाई नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सो, अपनी स्किन केयर रूटीन के बारे में आपके साथ डिस्कस करने लगी थी, तो सबसे पहले तो अर्ली मॉर्निंग उठते ही मैं क्या करती हूँ, फेस वॉश करती हूँ। ऑब्वियसली गुड फेस वॉश हमेशा अपनी स्किन केयर रूटीन का पार्ट रखें। मैं यूज़ करती हूँ मिस्टीन का क्लियर एक्ने क्लियर फेस वॉश, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत सूट करता है। अगर आप में से कोई भी यूज़ करना चाहे या इसको ट्राई करना चाहे तो कर सकता है, इट हैज़ वेरी गुड रिजल्ट्स। सबसे पहले फेस वॉश हो गया, देन मैं क्या करती हूँ, आई अप्लाई मॉइस्चराइज़र। मैं मॉइस्चराइज़र कभी स्किप नहीं करती क्योंकि मेरी स्किन बहुत ड्राई है, विदाउट मॉइस्चराइज़र तो काम चलता ही नहीं है ना मेरा। फेस वॉश करने के बाद मैं उसको ड्राई करती हूँ, ड्राई करके मैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ बिकॉज़ मैंने सुबह जाना होता है जॉब पर, तो मैं जो हूँ सन ब्लॉक लाजमी लगाती हूँ। सन ब्लॉक मैं यूज़ करती हूँ, यू वेल भी यूज़ किया हुआ है, उसके भी रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। आजकल मैं रिवाज यूज़ कर रही हूँ, बड़ा ही अफोर्डेबल है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ये बात नहीं है कि ये महंगा नहीं है तो इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन ये अफोर्डेबल है और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। आई विल रिकमेंड कि आप लाजमी यूज़ करें इसको, ठीक है। हाथों पर भी यूज़ करती हूँ, फेस पर भी यूज़ करती हूँ और नेक को आपने कभी अवॉइड नहीं करना, नेक पर भी आपने इसको अप्लाई करना है। नंबर थ्री हो गया सनस्क्रीन हो गई। इन सब चीज़ों को करने के बाद जो है मैं थोड़ा सा टिंट अप्लाई करती हूँ लिप्स पर, थोड़ा सा चीक्स पर करती हूँ और मैं चले जाती हूँ अपनी जॉब पर, ठीक है जी। अब जॉब के दौरान मुझे कोई टाइम नहीं मिलता कि मैं अपनी स्किन पर कुछ भी कर सकूं, लाइक टाइमिंग ही नहीं इतनी होती ना। घर आने के बाद मैं अगेन फेस वॉश करती हूं अपना, ठीक है, क्योंकि आप बाहर से आए होते हैं, आपकी स्किन पर डर्ट भी होती है, आपके पोर्स जो हैं वो भी जो है वो फिल अप हुए होते हैं ऑयल के साथ, डर्ट के साथ, तो फिर उस टाइम मैं थोड़ी सी क्लेंजिंग कर लेती हूँ, ठीक है। क्लेंजिंग मैं बेसिकली ये वाला क्लेंजर यूज़ करती हूँ, इसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं, लाइक बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं लेकिन गुड है, यानी कि आपकी स्किन को हेल्दी लगता है। रात को क्या करती हूँ मैं, बेसिकली अब दिन में क्लेंजिंग भी होगी, सब कुछ हो गया, सन ब्लॉक मैं रीअप्लाई कर लेती हूँ दिन में एटलीस्ट 2 दफ़ा तो मैं लगा लेती हूँ कम से कम भी, क्योंकि इतना तो एटलीस्ट टाइम निकल ही आता है। तो उसके बाद सोने से पहले जो है मैं अगेन अपना फेस वॉश करके मॉइस्चराइज़ करती हूँ। मॉइस्चराइज़ करने के बाद मैं सीरम अप्लाई करती हूँ। सीरम के अंदर मैं हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करती हूँ अल्टरनेट डेज पर, ठीक है। एक दिन हाइलुरोनिक एसिड सीरम यूज़ करती हूँ और एक दिन विटामिन सी सीरम यूज़ करती हूँ। ये दोनों सीरम्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये वाले यूज़ करती हूँ, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। कभी कभी बीच में जो है अगर टाइम ज़्यादा मेरे पास निकल आता है तो मैं जो है ये हाइलुरोनिक एसिड वाला फेस मास्क जो है फेस पर अप्लाई कर लेती हूँ, तब तक जो कि मैं थोड़ा सा ड्रामा वगैरह या कोई भी सीरियल जो है वो देख लेती हूँ। सो, हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। पानी दिन में मैं 6 से 8 ग्लास पीती हूँ, जॉब पर जाती हूँ तो अपने साथ पानी की बोतल मैं लेकर जाती हूँ ताकि मैं दिन में ये ना भूलूँ एटलीस्ट कि मैंने पानी भी पीना है, क्योंकि हाइड्रेशन जो है अंदर से अगर आपकी हाइड्रेशन अच्छी होगी तो बाहर से स्किन भी प्लम्पी होगी। सिर्फ हाइलुरोनिक एसिड कुछ नहीं कर सकता कि आप हाइड्रेशन अंदर से अपनी अच्छी ना रखें और बाहर से आप कहें मैं जी हाइलुरोनिक एसिड लगा लूँगी तो मेरी स्किन प्लम्पी हो जाएगी। तो हमेशा एक बात याद रखें, अपनी स्किन केयर रूटीन को बहुत ही बेसिक और सिंपल रखें जिसको आप इजीली फॉलो कर सकें।
ना तो इसको बहुत ज़्यादा आप एक्सटेंसिव किस्म की रखें कि आप उसको फिर डेली बेसिस पे वैसे फॉलो ना कर पाए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माई स्किन केयर रूटीन। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा वो तीन चीज़ें याद रखें, दिन में हमने पानी अच्छा पीना है, मॉइस्चराइज करना है, सनस्क्रीन यूज़ करनी है। ये तीन चीज़ें भी कर लोगे ना तो स्किन बहुत अच्छी होती है। फ्रूट्स का यूज़ ज़्यादा करो, अपनी डाइट अच्छी रखो, फूड फास्ट फूड जो है उसको कम से कम यूज़ करो। वीक में एक दफ़ा या मैक्सिमम तो दो दफ़ा मैं खाती हूँ, इससे ज़्यादा मैं फास्ट फूड का यूज़ नहीं करती। So that's it. Allah Hafiz.